जामतड़ा विधानसभा सीट से लखन लाल मंडल ने दाखिल किया नामांकन। CPIM ने जनता से अपील की। मैं हूं सिराज अंसारी और आप देख रहे हैं TV77 इंडिया की हर खबर। जामतड़ा विधानसभा क्षेत्र में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPIM के प्रत्याशी लखन लाल मंडल ने आज नामांकन दाखिल किया। CPIM ने जामतड़ा क्षेत्र की समस्याओं को लेकर एक ठोस संघर्ष का संकल्प दोहराया है। पार्टी के अनुसार विधानसभा में विस्थापन, नगर पंचायत सुविधाएं, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे, फसल के उचित दाम, शिक्षा और व्यवस्था जैसी समस्याओं का प्रभावी ढंग से उठाया जाएगा। लखन लाल मंडल ने कहा कि इन प्रमुख मुद्दों पर जनता की ओर से लड़ाई को और तेज किया जाएगा ताकि क्षेत्र की जनता को राहत मिल सके। पार्टी ने जनता से अपील की है कि वे जाति और सांप्रदायिकता से ऊपर उठकर आर्थिक और सामाजिक मुद्दों के आधार पर मतदान करें। मैं CPIM का कैंडिडेट के रूप में आज नामांकन किए। मेरा मुख्य मुद्दा आप देखें कि मेरे साथ नौजवान आए। नौजवानों का यहाँ मुख्य रूप से उनका रोजगार का सवाल है। आज उनका जो एग्जाम होता है वह एग्जाम या तो कैंसिल होता है या नहीं तो वह उसका क्वेश्चन पेपर लीक होता है। हम इसका विरोध करते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का। इसके अलावा आज हमारे जामतड़ा में जो इंडस्ट्रियल एरिया मिहिजाम और जामतड़ा में रिफैक्ट्री या छोटे छोटे जो फैक्ट्रियां हैं जो किसानों का जमीन पर बना लेकिन आज बंद है, उससे रोजगार नहीं हो रहा है। और इतना ही नहीं, आज जो हमारे यहाँ मैथान डैम है जहाँ हमारा जामतड़ा जिला या जामतड़ा विधानसभा का बहुत सा बड़ा भूभाग उसमें जलमग्न हुआ है लेकिन उस पानी से यहाँ के किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। अगर उस पानी को मिलता तो यहाँ किसान खुशहाल होता और ऊपर के भरोसा पर नहीं रहता। इतना ही नहीं, आज हमारे यहाँ जो सरकारी योजनाओं में काम करने वाली जो महिलाएं हैं, वह रसोईया हो या सहिया हो या जल सहिया हो, उनको मात्र 2000 रुपया दिया जाता है लेकिन चाहे वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार उसको उचित मानदेय नहीं देता है। और एक बात सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ हमारा तो मंत्री भी हैं और हमारे यहाँ जो सांसद अभी तो खैर यहाँ का हुए हैं, पहले BJP की सांसद थी केंद्र में, लेकिन कभी इन सवालों को छुआ तक नहीं। इसलिए हमारा उन दोनों के खिलाफ संघर्ष है। आज जो काम करने वाला जो है उनको नहीं मिल रहा है बल्कि हमारे यहाँ हमारे राज्य में जो सरकार है वह हमारी महिलाओं को कहता कि 1000 देंगे तो BJP या कहिए कि नरेंद्र मोदी कहते कि हम 2100 देंगे तो इधर 2500 का ई करके पास करते हैं और जानते हैं कि दिसंबर तक हमारे यहाँ चुनाव हो जाएगा और ये जानबूझ करके हमारी महिलाओं को एक तरह से प्रताड़ित करने का काम, चाहे वह कांग्रेस और JMM की सरकार हो या BJP की सरकार हो। हमारा जो CPIM का उन दोनों के खिलाफ यह संघर्ष है। हमारे जामतड़ा में जो कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे संगठन है जो हमारा जो सद्भाव है उसको मिटाने की कोशिश करता है, कभी वह जात के नाम से कभी धर्म के नाम से वो हमारे बीच बांटने का काम करता है। इसलिए इन सब मुद्दों को लेकर के यही प्राथमिकता के साथ आज आप देखते होंगे हमारे इस भीड़ में, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, आदिवासी हो, नौजवान हो, महिला हो, सभी, चाहे वो बुजुर्ग हो, सभी आकर के ये जो भरे बारिश में हमारा साथ दिया, इससे पता चलता है कि इस चुनाव में हम फतह करेंगे और धन बल और जन बल जो जाति या धर्म के आधार पर और पैसे के बल पर जो विधानसभा जाने के लिए तैयार कर रहा है, हम उसका कड़े मुकाबला करेंगे इन लोगों के साथ मिलकर। धन्यवाद।